आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ये हम सब जानते हैं और अपनी फिल्मों में वह जान डाल देते हैं और सालों लगा देते हैं, ये सभी वाकिफ हैं। और इन्होंने अपने प्रोडक्शन में भी ऐसा ही काम करना शुरू कर दिया है। 11 साल बाद किरण राव अपनी फिल्म लेकर आई है लापता लेडीज, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। लापता लेडीज आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी है और किरण राव ने इसे डायरेक्ट किया है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया है। इसे अच्छा सा टाइम लेकर डायरेक्ट किया गया है और बहुत ही अच्छे से बुना गया है। आपको बता दें, लापता लेडीज में छोटे क्रू मेंबर्स के साथ जिस तरह से इस फिल्म को बुना है वह काबिले तारीफ है। इस फिल्म में ना तो कोई बड़ा स्टार है, ना कोई सुपरस्टार है, ना कपूर है, ना खान है, बल्कि इस फिल्म में नए उभरते स्टार्स आए हैं जो इस फिल्म को जस्टिफाई करके गए हैं। इस फिल्म में जिस तरह से गांव के लहजे को उतारा गया है और जिस तरह से गांव की जो बातें होती है, लैंग्वेज होती है, जिस तरह से उन्होंने अपने टोन में लिया है, वह मजेदार है। दरअसल इस कहानी की अगर हम बात करें तो एक ट्रेन में दो शादीशुदा जोड़े जा रहे होते हैं, जो कि जो दुल्हने होती हैं वो पूरी घूंघट में होती हैं, अपने मुंह को ढकी भी होती हैं और वहीं से वह लापता हो जाती है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही होती है। कैसे लापता होती है, क्यों होती है, यह आपको फिल्म देखने के बाद खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर हम बता देंगे तो सारा इंटरेस्टिंग कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये फिल्म बेहतरीन है। इस फिल्म में हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बुनी गई है। ना तो इस फिल्म का कोई म्यूजिक बेकार है और ना ही इस फिल्म में कोई भी कैरेक्टर बुरा साबित हुआ, बल्कि हर एक कैरेक्टर को अपनी अपनी जगह बेस्ट दिखाया गया है और अपने कैरेक्टर को उन्होंने जस्टिफाई किया है। 2 घंटे की ये मूवी 15 मिनट पर ही मुद्दे पर आ जाती है। जब आप ये मूवी देखते हैं ना, आपको अपना फोन स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतनी स्मूथली इस फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है, जहां हर एक चीज कनेक्टिविटी में जुड़ी हुई होती है। जब आप फिल्म को देखते हैं, कहीं भी आपको पलक झपकने का मन ही नहीं करेगा। इतनी स्मूथली एक मैसेज भी दे देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता ये कब ज्ञान देगा। और आप इस 2 घंटे की पूरी मूवी को अच्छे से एंजॉय करके बाहर आके यही कहते हैं, वाह, क्या बेहतरीन मूवी है। दोस्तों, इस मूवी में सभी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। इसमें रवि किशन है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर है और इस फिल्म में एज अ पुलिस वाले के तौर पर वो नजर आए हैं। आपने पहले भी ट्रेलर देखा है और ट्रेलर से अंदाजा लगा ही लिया था, बाकी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से आप इमेजिन भी नहीं कर पाए थे। रवि किशन ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया। एक पुलिस वाला, गाँव का पुलिस वाला कैसा होता है, इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो वही हम अगर कैरेक्टर्स की बात करें, यहाँ फिल्म में 3 नए कैरेक्टर्स नजर आएंगे, नए चेहरे नजर आएंगे, जिसमें से नितांशी गोयल हैं, जो कि फूल के किरदार में नजर आई हैं। एक गांव की लड़की जो बेहतरीन तरीके से स्क्रीन अपीयरेंस में नजर आई और उन्होंने जिस तरह से इस कैरेक्टर को जिया है, ऐसा मानो कि वो उसी कैरेक्टर को जीती आई हो और उन्होंने आज तक कभी भी ऐसे कैरेक्टर को जिया ही नहीं था। और इस फिल्म में उन्होंने इस कैरेक्टर को, इस रोल को जस्टिफाई किया है। एक गांव की लड़की जो साइकिल के पीछे अपने पति के पीछे बैठकर जा रही होती है, या फिर अपने पति के इंतजार में होती है, या फिर आप उनकी मासूमियत की ही बात कर लीजिए, जो गांव की लड़की में आपको दिखता है वो वैसे ही दिखती है। और दूसरी तरफ नितांशी गोयल के बाद आती है प्रतिभा रांटा, जिन्होंने इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल अदा किया जो आपको मैसेज दे देती है और आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी स्मूथली वो मैसेज देकर आगे बढ़ चुकी होती है। ऐसे में जो तीसरा कैरेक्टर होता है, वो नाम आपको खुद कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा और आपको बताना होगा कि आपको वो कैरेक्टर कैसा लगा, उस लड़की का कैरेक्टर आपको कितना पसंद आया, क्या ऐसा लड़का आपने कभी देखा है। वेल, इसी के साथ आपको बताएं कि इस फिल्म को जिस तरह से किरण राव ने जस्टिफाई किया है, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया है, मानना पड़ेगा 11 साल उन्होंने लंबा समय जरूर लिया है, लेकिन बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ वापसी की है, बेहतरीन डायरेक्शन के साथ उन्होंने वापसी की है। और अगर उनके खाते में और 4-5 फिल्में दे दी जाए तो वे बेहतरीन तरीके से उसे निभाएंगी भी, ऐसा माना जा सकता है। किरण राव को जरूर और भी डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना चाहिए, वो बेहतरीन काम कर रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।